Hi babies, welcome back in fourth part of the video. Four parts हो गए हमारे video के और chapter कौन सा है हमारा? Good habits. Well, इस good habits के बारे में हमने already learn कर लिया और हमने should और should not का use करना सीखा था, है ना? साथ ही हमने word power भी देख लिया. हमने different words देखे जो या तो सिमिलर स्पेलिंग के थे या फिर सिमिलर साउंड के थे. फिर अब बारी आती है ग्रामर इन यूज़. वेल, ग्रामर इन यूज़ में आज हम करने वाले हैं डू नॉट, डज नॉट, शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना. याद है हमने कैन नॉट को लिखा था कांट, वैसे ही हम डू नॉट को लिखते हैं डोंट, डज नॉट को डजंट और शुड नॉट को शुडंट. रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स. यहाँ पर हमको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें हमको अंडरलाइन वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि डोंट, डजंट, शुडंट. क्या लिखेंगे हम? डोंट, doesn't, shouldn't. Okay? सबसे पहले है वी डू नॉट राइट ऑन वॉल्स. हम दीवारों पर नहीं लिखते हैं. इसको हम शॉर्ट फॉर्म के साथ कैसे लिखेंगे? वी डोंट, डू नॉट को डोंट की तरह लिखते हैं. Don't write on walls. Now, next. Good boys do not tell lies. अच्छे बच्चे, अच्छे लड़के झूठ नहीं बोलते या झूठी बातें नहीं बताते हैं. गुड बॉयज डू नॉट, कैसे लिखेंगे डू नॉट को? डोंट, डोंट टेल लाइज. नेक्स्ट इज अनु डज नॉट गो टू स्कूल. अनु स्कूल नहीं जाती. अब नहीं जाती है और डज नॉट को हमको लिखना है क्योंकि अंडरलाइन है, तो क्या लिखेंगे हम? डजंट. वैसे ही डज लिखा हुआ है, उसी के बाद बस एन और अपोस्ट्रॉफी टी लगा देंगे. ठीक है, अनु doesn't go to school. She does not brush her teeth. वह अपने दांतों को ब्रश नहीं करती है. She means वह. ये लड़कियों के लिए यूज़ होता है, लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, राइट? तो हम यहाँ पर समझेंगे कि शी डज नॉट ब्रश हर टीथ मीन्स, हर मीन्स उसके, वह अब उसके दांतों को ब्रश नहीं करती है. कैसे लिखेंगे? शी डज नॉट को क्या लिखेंगे? डजंट. सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. She doesn't brush her teeth. You should not pluck flowers. You should not pluck flowers. तुम्हें या आपको फूल नहीं तोड़ने चाहिए. You should not को क्या लिखेंगे हम? shouldn't, should
के बाद एन अपोस्ट्रोफी टी शुडंट. ये हुआ शुडंट. प्लक फ्लावर्स. लास्ट इज यू शुड नॉट ईट इन द क्लास. तुम्हें क्लास में नहीं खाना चाहिए. तो हम शुड नॉट को क्या लिखेंगे? शुडंट. यू शुडंट ईट इन द क्लास एंड इट इज डन. सो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 15 कंप्लीट होता है. ग्रामर इन यूज हमने देखा, जिसमें हमने शॉर्ट फॉर्म सीखे. डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट और शुड नॉट को शुडंट. ओके माय बेबीज, कीप लर्निंग. बाय बाय.